ये सारी चीजें जो आप बता रहे हैं और जो ये जो दिखाई जा रही हैं, ये सारा वाकया 25 तारीख का था, जब 24 तारीख को खुद दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में मैं और मेरा परिवार सही सलामत वहां से अलग जगह चले गए, सेफ जगह चले गए। उसके बाद मैं वहां नहीं गया, मेरे परिवार का कोई व्यक्ति नहीं गया। सुबह को सिर्फ वहां गाड़ियां निकालने गए थे, क्योंकि वो भी जो SHO साहब थाना दयालपुर के थे, उन्होंने वो गाड़ियां निकलवाई, क्योंकि जगह जगह जिस तरह से आग जही चल रही थी तो गाड़ियां बहुत जल्दी आग पकड़ती है, वो गाड़ियां वहां से बाहर निकाली थी। मेरी पत्नी गई थी, जिसने वहां से थोड़ा सा कुछ सामान कपड़े उपड़े थोड़े से लेके आई थी। इसके बाद हमें किसी ने नहीं किया, ये सब पुलिस की मौजूदगी में उनके सामने चेक होके गया, चेक होकर आए थे। वहां पे पुलिस का कब्जा था, कल शाम 4 बजे तक भी वहां, 25 तारीख के 4 बजे तक भी वहां पुलिस का कब्जा था। जैसे ही मुझे सूचना मिली कि पुलिस फोर्स यहां से धीरे धीरे कम होती जा रही है, तब भी मैंने लगातार जो है 100 नंबर पर कॉल किया, जो कनेक्ट नहीं हुआ। उसके बाद जो मेरे पास मिस्टर आलोक जी ज्वाइंट CP हैं, उनका नंबर था, उनको फोन करके इतला दी कि सर यहाँ का माहौल बहुत खराब है, मैं कल से आपसे कह रहा हूँ कि इस बिल्डिंग के लोगों ने टारगेट बनाया हुआ है, दोनों तरफ के लोग उसको टारगेट बना कर रखे हैं, यहाँ से पुलिस फोर्स नहीं हटनी चाहिए, अगर पुलिस फोर्स यहाँ से हटती है तो मेरा बिल्डिंग का दोबारा से कोई भी दुरुपयोग हो सकता है, और इसके लिए ये तमाम यहाँ पे जो नुकसान है जिसमें करोड़ों का माल मशीनें लगी हैं वो सब जल जाएगा। दिल्ली पुलिस वहां से मौजूद थी और उसके सामने वहां से निकले, उसके बाद ये सब कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ ये तो वही बताएंगे, इसकी जांच के बाद मालूम पड़ेगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं हर तरह की जांच कराने को तैयार हूं, जांच में सहयोग देने को तैयार हूं, दिल्ली पुलिस जिस तरह का भी सहयोग मुझसे चाहती है मैं करने को तैयार हूं, और जिस व्यक्ति की अंकित शर्मा जो कि मैं मीडियम के माध्यम से मुझे उसकी जानकारी मिली है, पर्सनली मैं नहीं जानता, उसकी मौत से मैं बहुत दुखी हूं, उसके परिवार को जो सदमा लगा है उसमें मैं शामिल हूं और मैं चाहता हूं कि उसको न्याय मिलना चाहिए। इसके लिए मुझे जयोगी सहयोग देना होगा, मैं दूंगा। मैं अपने बच्चों की सौगंध खाकर कहता हूं कि इस मैटर से मेरा कोई लेना देना नहीं है।